करौली में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए निर्देश दिए गए, साथ ही बरसाती पानी के परमानेंट निकास के लिए जल्द से जल्द कार्य करने का आदेश दिया। इसके बाद जवाहर सिंह बेढम ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सफल जनसभा पर आभार जताते हुए कहा कि करौली को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए सक्षम स्तर पर बात रखने का भरोसा उन्होंने दिया। साथ ही कहा कि जनता के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रेस वार्ता में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, मीडिया प्रभारी मुकेश सालोत्री, शहर मंडल अध्यक्ष आशुतोष तिवाड़ी, कुलदीप थापाई, धीरेन्द्र बैंसला सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और आप सब लोग भी वहां पहुंचे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की बार बजट पेश किया है, उस बजट की घोषणाएं शीघ्र धरातल पर उतरे और उनके काम शुरू हों, इसके लिए हमारे प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं और जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके भूमि के आवंटन है या अलाइनमेंट है, जो भी है, सब चीज़ों को समय पर करके समयबद्ध तरीके से उनकी जो योजनाएं परियोजनाएं पूरी हों, इसके लिए सक्रियता बढ़ी है। मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की है, जो बजट घोषणाएँ करौली में और सपोटरा में, हिंडौन में और टोडा भी हैं, जहाँ भी हुई है, उन सब बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूरा किया जा सके, इसके लिए उन्होंने जमीनों के आवंटन कर दिए हैं, स्पॉट निरीक्षण कर लिए हैं।